हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया गया है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लानिंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किस क्वेश्चन में हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। और हाँ, यदि आप हमारे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो चैनल इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वॉज डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट will be the same as the class in which they are studying. Example, A section of class first will plant one tree, A section of class second will plant two tree, and so on of class 12th. There are three section of each class. How many tree will be planted by the student? Question में कहा गया कि एक school में क्या हुआ, सोचा उन्होंने कि हम स्कूल के चारों तरफ ट्री लगाएंगे जिससे कि एयर पोल्यूशन कम हो जाए। इट वाज डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि द नंबर ऑफ ट्री ऑफ ईच सेक्शन विल क्लास विल बी प्लांट विल बी द सेम एज क्लास, कि हर एक सेक्शन की जो क्लास है वो जोन सी क्लास होगी वो उतना ही ट्री लगाएगी। जैसे कि अगर सेक्शन वन की क्लास फर्स्ट है तो वो वन ट्री लगाएगी, सेक्शन टू की क्लास सेकेंड है तो वो टू ट्री लगाएगी, ऐसे ही इसको 12th क्लास तक लगाते जाना है। और हर एक क्लास के तीन सेक्शन है, एवरी क्लास है वो थ्री सेक्शन, तो हमें बताना है कि टोटल कितने ट्री जो है वो प्लांट किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हमारी क्लास फर्स्ट है तो वो वन ट्री लगाएगी, क्लास सेकंड टू ट्री लगाएगी, क्लास थर्ड थ्री ट्री लगाएगी, और ऐसे करते करते क्लास 12 जो है वो हमारा 12 ट्री लगाएगी। और हर एक क्लास के कितने है? तीन सेक्शन है, तो पहले तो हम वन सेक्शन के अकॉर्डिंग इनका सब निकाल लेंगे कि टोटल ट्री कितने हमारे होंगे, और फिर उसको हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा टोटल ट्री हमारे कितने हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, पहली क्लास में वन, उसके बाद यहाँ पे वन का डिफरेंस है, फिर वन का डिफरेंस है, तो ये हमारी एपी में हो गई है। तो एपी की फर्स्ट टर्म हमारी ए इजकल टू वन हो जाएगी। डी की बात करें, कॉमन डिफरेंस टू माइनस वन इजकल टू वन। नंबर ऑफ टर्म टोटल कितने है, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारी यहाँ पे 12 हो जाएगी। So, हमें एस ट्वेल्व फाइंड करना होगा। एस ट्वेल्व इज इक्वल टू वाट, ये हमें फाइंड करना होगा। तो हमें पता भाई एस एन इजिकल टू हमारा फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू। यदि हमें नंबर ऑफ टर्म पता हो और फर्स्ट और लास्ट टर्म भी पता हो तो एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, फर्स्ट प्लस प्लस लास्ट टर्म का सम। तो एस ट्वेल्व इजिकल टू, एस ट्वेल्व हमारा कितना हो जाएगा, 12 अपॉन टू, पहली टर्म हमारी कितनी है 1 है और लास्ट टर्म हमारी 12 है। यहां से 2 से 12 कैंसिल करेंगे, 6 12 वन 13, 6 इंटू 13, 13 6 78। तो हमारे अगर एक पहले एक सेक्शन की बात करें, वन सेक्शन की जो टोटल क्लास है तो 78 ट्री लगाएंगे, बट देयर आर थ्री सेक्शन, तो टोटल ट्री प्लांटेड बाय ऑल थ्री सेक्शन। तो टोटल ट्री जो है वो तीनों सेक्शन द्वारा कितने प्लांट किए जाएंगे, भाई एक सेक्शन ने 78 ट्री किए 1 से 12 क्लास तक, तो तीन सेक्शन के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21 और 2 23, तो 234 ट्री जो है वो टोटल प्लांटिंग की जाएगी 3 सेक्शन और 1 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।